आज के इस महत्वपूर्ण इस सम्मेलन में हमारे मध्य उपस्थित भारत सरकार में हमारे कृषि मंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब और हमारे मध्य उपस्थित हमारे यहाँ के माननीय मंत्री जी, तेलंगाना के श्री रेड्डी जी और हमारे मध्य उपस्थित केरल के कृषि मंत्री श्री पी प्रसाद जी और भारत सरकार में एग्रीकल्चर के सेक्रेटरी संजय जी अग्रवाल और आईसीआर के डीजी महापात्रा जी, हमारे मध्य ही उपस्थित यहाँ के किसान नेता पल्ला राजेश्वर रेड्डी जी और हमारे मध्य उपस्थित हमारे एग्रीकल्चर के जॉइंट सेक्रेटरी श्रीमती सुभा ठाकुर जी और सेक्रेटरी हमारे यहाँ पर उपस्थित सभी चीफ यहाँ पर उपस्थित चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना सरकार और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी विधायकगण, एमएलएज और सभी हमारे यहाँ के वीसीगण, सभी स्टेट सरकार के और केंद्र सरकार के अधिकारीगण और सभी यहाँ पर आए हुए किसान भाइयों और बहनों और मीडिया के बंधुओं, जैसा कि आज का यह दिन निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। आज एक जो मिशन प्रारंभ किया गया और उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए ये आज की बैठक और ये सम्मेलन निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर किसान की इनकम बढ़ाने के लिए और एक जो महत्वपूर्ण हमारे देश की समस्या है उसका समाधान करने की दृष्टि से कि जो हमें ऑयल है उसको इंपोर्ट करना पड़ता है, उसका समाधान कैसे हो, इस दिशा के ऊपर निश्चित रूप से ये आज का सम्मेलन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जैसा कि हम जानते हैं आज देश के अंदर ऑयल को हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। एक समय था जिस समय देश के अंदर किसानों को कोई भी उत्पादन बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं होती थी, खेत का खेत के अंदर ही उसका हर वस्तु उसको मिल जाया करती थी। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि उसके बाद में हमारे यहाँ पर खाद्यान्न की दृष्टि से भी आज हमारा देश है वो सरप्लस हुआ है। खाद्यान्न में तो निश्चित रूप से हम सरप्लस हुए किसानों की मेहनत और उसकी वजह से आज हम इस स्थान पर पहुंचे हैं। लेकिन आज भी हमारे देश के अंदर ऑयल की दृष्टि से देखा जाए तो हमें विश्व के अंदर जितना ऑयल उत्पादन होता है और उसमें हमें आज यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसके अंदर लगभग देश की जो हमारी 80,000 करोड़ से भी अधिक यहाँ पर इंपोर्ट होता है। और इसके बाद मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जहाँ 25 मिलियन टन देश का पूरा कंजप्शन है और उसमें से अपने को मात्र यहाँ देश के अंदर घरेलू जो हमारा उत्पादन है वह लगभग 12 मिलियन टन है, बाकी का जो उत्पादन है वो हमें दूसरे देशों के ऊपर हमें निर्भर रहना पड़ता है और हमें दूसरे देशों से लाना पड़ता है। तो इस सारी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में और हमारे कृषि मंत्री माननीय तोमर साहब के नेतृत्व के अंदर एक महत्वपूर्ण ये निर्णय लिया गया कि हमें हमारे देश को ऑयल के अंदर आत्मनिर्भर बनाना है, तो उसके लिए एक योजना बने। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि भारत सरकार ने इसके लिए अलग से बजट का प्रावधान किया और लगभग 11,000 करोड़ रुपए इसके लिए बजट का प्रावधान अलग से किया गया है और जिससे कि किसानों को और सरकार को सपोर्ट करके और आगे इस मिशन को आगे बढ़ाया जा सके। और ये कार्य तभी संभव हो सकता है जब राज्य सरकारों का सपोर्ट मिले और राज्य सरकार उसमें सहयोग करे और निश्चित रूप से राज्य सरकारों के सहयोग से इसमें लगभग 2200 करोड़ रुपए का प्रावधान राज्य सरकार का सपोर्ट रहेगा
और वहीं पर भारत सरकार की ओर से 8,844 करोड़ रुपए का राज्य सरकारों को सपोर्ट के माध्यम से इस मिशन को आगे बढ़ाया जाएगा। कोई भी अगर काम हो, कोई भी मिशन हो, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए और विशेषकर एग्रीकल्चर के अंदर साइंटिस्ट का रिसर्च और किसान की मेहनत और सरकार का सपोर्ट, ये तीन जब चीज मिल जाती है तो मुझे लगता है कि वो ऐसा कोई काम असंभव नहीं है जो मिशन पूरा नहीं हो सके। और इस दृष्टि से मुझे लगता है कि आज जैसा कि पूर्व के अंदर सभी वक्ताओं ने बताया और यहाँ के मिनिस्टर साहब ने भी अपने अचीवमेंट बताए, और मुझे जहाँ तक दिखता है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की जो योजना है एग्रीकल्चर के अंदर, एक समय मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति दूर भागना चाह रहा था, लेकिन आज एग्रीकल्चर के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है और उसके लिए राज्य सरकारें प्रयास करिए, भारत सरकार से भी सपोर्ट दिया जा रहा है। और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ और मुझे याद है अच्छी तरह से, ये मिशन जब हाथ में लिया था तो उस समय प्रधानमंत्री जी ने ये बात जब कही कि देश के अंदर किसान ऑयल पाम के अंदर हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाना है, और उस समय जहाँ पूरा देश उस समय लॉकडाउन के अंदर था और उस समय कृषि मंत्रालय के अंदर बैठकर तोमर साहब के नेतृत्व में लगातार इस बात की चिंता की जा रही थी कि किसानों की इनकम बढ़ानी है और हमारे ऑयल पाम मिशन को किस तरह से आगे बढ़ाना है। और मैं मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि कोरोना के संकट के अंदर भी, जहां पूरे देश के अंदर लॉकडाउन था, लेकिन उसके बावजूद भी उस समय कई ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाए, कई ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए कोरोना के बीच में भी, चाहे उसके लिए खरीद करने का विषय था तो वो खरीद की समय पर खरीद हुई, और जहाँ छूट देने की आवश्यकता थी कोई भी अगर कोई मशीनरीज को ले जाना लाना हो तो, और साथ ही उसके साथ ही जहाँ पर इनाम मंडी के माध्यम से मार्केट के अंदर किसानों की खरीद सही समय पर बेचान हो जाए, इस दृष्टि से मंडियों को भी जोड़ा गया। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस दौरान किसान रेल का भी शुभारम्भ हुआ, और किसान रेल के माध्यम से कि किसानों को इसका लाभ मिले, किसान को उसकी ट्रांसपोर्टेशन का जो चार्ज है वो कम उसके ऊपर वहन करना पड़े, और इस दृष्टि से निश्चित रूप से काम किया गया। और इसी बीच में ये मिशन के तौर पर भी प्रारंभ किया, और आज मुझे जो लक्ष्य लिया गया है वो लक्ष्य निश्चित रूप से, चाहे नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र हो, चाहे हमारे ये राज्य अभी जो तय किए गए हैं दूसरे राज्य, उनके अंदर भारत का आज लगभग आधे प्रदेशों के अंदर इस मिशन को जिस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा, तो मुझे लगता है इसके लिए भारत सरकार की ओर से जितना भी सपोर्ट होगा वो निश्चित रूप से राज्य और सरकार किसानों को इस के लिए अवेलेबल किया जाएगा। और मुझे बहुत ही प्रसन्नता होती है कहते हुए कि सरकार के द्वारा सिर्फ इतना ही नहीं, चाहे अगर हमारे सीड गार्डन बनाने हो तो उसके लिए भी 80 लाख रुपए एक गार्डन के लिए उसकी भी सरकार की तरफ से सपोर्ट है। अगर कोई नर्सरी स्थापित करना चाहता है अगर उसके लिए भी 40 लाख रुपए 10 हेक्टर तक के लिए, और इसी के साथ में कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए भी 25 लाख रुपए तक का सपोर्ट देने का प्रावधान किया गया है। किसानों को ट्रेनिंग देने के लिए भी भारत सरकार की ओर से 30,000 रुपए एक 30 किसानों तक को ट्रेनिंग देने के लिए, और साथ ही अधिकारियों को भी ट्रेनिंग कर देने के लिए 40,000 रुपए 20 अधिकारियों तक को ट्रेनिंग देने के लिए इसमें प्रावधान किया गया है। वहीं पर आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि प्लांटिंग मटेरियल का जो है उसमें अगर विदेश सपोर्ट है तो उसके तौर पर भी 29,000 रुपये के तौर पर उनको किसान को सपोर्ट देने का भी प्रावधान किया गया है। तो कुल मिलाकर ये है कि आने वाले समय के अंदर ये जो हमारा मिशन है, जहां भारत सरकार की ओर से लगातार हर क्षेत्र में एक ही उद्देश्य है कि किसान की इनकम बढ़े, और किसान को लिए महत्वपूर्ण तीन चार चीज़ें होती है, किसान को अपनी एक तो बढ़िया किस्म का बीज मिले या उसको प्लांटिंग मटेरियल मिले, तो इस दिशा के अंदर सरकार काम कर रही है, और किसानों के लिए भंडारण की व्यवस्था हो, और किसान को की लागत कम कैसे हो और मार्केट कैसे मिले, इन सभी को ध्यान में रखते हुए आज देखा जाए तो अभी एफपीओ का यहाँ पर सर्टिफिकेट दिया गया, और देश के अंदर आने वाले समय के अंदर 10,000 एफपीओ भी बनाए जाएंगे, और 10,000 एफपीओ बनकर किसानों को जिस तरह से एक सपोर्ट के तौर पर भारत सरकार की तरफ से उनको सहयोग भी किया जा रहा है। और इसी के साथ में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तौर पर 1,00,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है कि ताकि किसान अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो सके, और जो हमारी यूनिट्स है सर जिस तरह से उसको किस तरह से सपोर्ट मिले
और इन सभी को ध्यान में रखते हुए ये योजना जब बनी और योजना बनाई गई तो इसका पीछे उद्देश्य यही है कि हमारे जो देश के किसान हैं या आम नागरिक की जो खाद्य सुरक्षा के तौर पर हम आज खाद्यान्न के अंदर हम आत्मनिर्भर हुए हैं, लेकिन तिलन के अंदर भी हमें दूसरे देशों के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़े, और इस दृष्टि से ये कार्य प्रारंभ किया गया है। निश्चित रूप से आपके सहयोग से और राज्य सरकारों के सपोर्ट से और किसानों की मेहनत के और परिणाम स्वरूप वह दिन दूर नहीं कि जिस दिन हमारा जो लक्ष्य लो हमने लिया है वह लक्ष्य अवश्य पूरा होगा। और राज्य सरकारों से जैसा अभी उन्होंने कहा मंत्री जी ने कि आप सपोर्ट की बात है, तो राज्य सरकार अगर 2 कदम आगे बढ़ेगी तो भारत सरकार 10 कदम आगे बढ़कर आपके सपोर्ट के अंदर साथ खड़ी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य एक ही है कि किसानों की इनकम बढ़ाना और देश के किसान को आत्मनिर्भर करना। तो इस दृष्टि से ये आज की समिट है वह निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर हमारे किसानों को भी लाभ देगी, हमारे देश की बजट जो GDP के अंदर जो योगदान है उसमें भी कृषि का महत्वपूर्ण योगदान होगा, क्योंकि पहले जब आप और हम सब जानते हैं कि कृषि की GDP के अंदर कृषि का देश की GDP में बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन धीरे धीरे कम हुआ, लेकिन अब आने वाले जिस तरह से आप और सबका मन और मस्तिष्क और जिस तरह से मेहनत है और जिस तरह से एक विजन लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं जिस दिन हम इस लक्ष्य को भी पूरा करेंगे और देश के जो आत्मनिर्भर बनाना है उस आत्मनिर्भर में भी हम निश्चित रूप से सफल होंगे। इतना ही मुझे कहना था, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।